पिछले वीडियो में हमने देखा कि रीडिंग क्या है रीडिंग की प्रक्रिया क्या है रीडर रिस्पॉन्स थियोरी क्या है टेक्स्ट क्या है टेक्स्ट के टाइप क्या है और रिस्पॉन्स की स्ट्रैटेजी क्या है अब हम आते हैं रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट इसमें क्या क्या मेन सवाल है कि टेक्स्ट क्या कह रहा है टेक्स्ट का अर्थ क्या है uh, मेरे लिए पर्सनल लेवल पे उसका अर्थ क्या है और जो uh, कह रहा है और जो वो कहना चाह रहा है उसके क्या लिंकेजेस हैं जो ये कह रहा है वो कितने अच्छे तरीके से कह रहा है जो कह रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है ये सारे सवाल हम उसमें देखते हैं टाइप्स की हम बात करें तो वी कैन रिस्पॉन्ड टू इट पर्सनली वी कैन रिस्पॉन्ड टू ए टेक्सट एनलिटिकली क्रिटिकली एंड वी कैन रिस्पॉन्ड टू ए टेक्स्ट क्रिएटिवली पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि हम जब अपने लिव्ड एक्सपीरियंस के लेंस के थ्रू किसी टेक्स्ट को देखते हैं जिसमें हमारा प्रायर नॉलेज उस विषय को लेकर के ब्रिज के रूप में काम करता है उससे जो कनेक्शंस बनता है वो वो पर्सनल रिस्पॉन्स है मतलब इन एक्टिविटीज से जो रीडर है दैट रीडर कैन लिव द टेक्स्ट और उसको इंटरनालाइज कर देता है उसको ओन करना शुरू कर देता है और उसको इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्ड कर सकता है ग्रुप में भी कर सकता है रिटर्न फॉर्म में रिस्पॉन्ड कर सकता है ओरल फॉर्म में रिस्पॉन्ड कर सकता है विजुअली टेक्स्ट पढ़ने के बाद कोई वो कार्टून बना सकता है कोई पेंटिंग बना सकता है कोई फिल्म बना सकता है तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स uh, के रूप में हालांकि वो क्रिएटिव एक्टिविटीज हम थर्ड पार्ट में करेंगे और एक बार स्टूडेंट ने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है टेक्स्ट को तो वहीं पर वो जो टेक्स्ट है अब वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रहा द टेक्स्ट बिकम्स बिकेम एन एक्सपीरियंस्ड वर्क उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे हम एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रिस्पॉन्स पे तो एनालिटिकल क्रिटिकल रिस्पॉन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट वन के पहले पार्ट में बेसिकली जब टेक्स्ट के कंटेंट की वैलिडिटी को हम एग्ज़ामिन करते हैं लैंग्वेज इमेजरी फॉर्म ऑर्गनेशनल स्ट्रक्चर मीनिंग कंटेंट कॉन्टेक्स्ट इन सब की वैलिडिटी जब चेक करते हैं तो एनालिटिकल ए क्रिटिकल रिस्पॉन्स है और उससे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की वो बढ़ती है थर्ड है क्रिएटिव रिस्पॉन्स क्रिएटिव रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो उसने पर्सनल एनालिटिकल क्रिटिकल लेवल पर समझा उसको अब वो एक्सप्रेस करेगा अब यहाँ पर एक्सप्रेशन पे फोकस नहीं याद रखना है रिसेप्शन पे फोकस है लेकिन उसको रिसेप्शन की प्रक्रिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो रिस्पॉन्स है वो क्रिएटिव रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं सेटिंग्स हैं जेनस हैं फॉर्म्स हैं बेसिकली uh, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का जो एस्थेटिक्स का पार्ट है वो एक्सप्लोर करने का उनको मौका मिलता है टेक्स्ट के बियड जा के और उसके आधार पर रीडर जो है कोई पोस्टर क्रिएट कर सकता है कोई प्ले के रूप में रोल प्ले के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकता है कोलाज बना सकता है कैरेक्टर राइटर का इंटरव्यू ले सकता है कोई एक चैप्टर ऐड कर सकता है ड्रामेटाइज कर सकता है पोएम मुझे याद है कि कई एक कई बार मैंने कोई नॉवल पढ़ने के बाद चार लाइनें पोएम की कोई लिखी हो तो दैट्स मे क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट कोई गाना बना सकता हो कोई ट्रैक बना सकता हो कोई फिल्म बना सकता हो वो एक तरह का क्रिएटिव रिस्पॉन्स है अब हम एक्चुअल सिलेबस के टर्म्स पे आते हैं रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी जिसमें फोकस रिस्पॉन्स पे होता है यदि ब्रीफली कहें तो तीन उसके पार्ट हैं पहले को आप कह सकते हो एक्सप्लोरेशन का फेज द कोर ऑफ द टेक्स्ट कि आखिर उस टेक्स्ट का की आइडिया क्या है ऑथर क्या कम्युनिकेट करना चाहता है और यूजुअली हमारे एग्जाम में फोकस जो है वो कोर ऑफ द टेक्स्ट पे ही होता है कॉम्प्रीहशन लेवल पे होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीजें इसमें आती हैं कोर ऑफ द टेक्स्ट जो यूजुअली हम लोग रिस्पॉन्स बेस्ड स्टडी के पहले लेवल पे ही हमारे स्कूल कॉलेज में फोकस है बट जो नेक्स्ट लेवल है वो पर्सनल कनेक्शन टेक्स्ट के साथ आपका जो कनेक्शन है और हम आगे देखेंगे कि वो कनेक्शन टेक्स्ट टू सेल्फ है टेक्स्ट टू टेक्स्ट है टेक्स्ट टू द वर्ल्ड है तो वो पर्सनल कनेक्शन है कि की आइडिया का और हमारे खुद के अनुभव का इंडिविजुअल अनुभव का कलेक्टिव अनुभव का लिव्ड एक्सपीरियंस और वाइकेरियस वाइकेरियस क्या होता है लिव्ड क्या होता है देखो लिव्ड एक्सपीरियंस एक तो ये है जैसे वर्ल्ड वॉर में या चाइना इंडिया, इंडो चाइना वॉर में मैं नहीं था तो उसको लेकर के कोई चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो मैं लिंक नहीं कर सकता हूँ लेकिन मेरे पड़ोस में कोई है मेरे अपने रिलेटिव हैं जिस में वॉर में थे तो उनसे जो मैं बात करता हूँ उनके एक्सपीरियंसेस मुझे पता है उनके एक्सपीरियंसेस के लेंस में जब मैं टेक्स्ट को देखता हूँ ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो वाइकेरियस एक्सपीरियंस है वो सेकेंड फेज uh, है थर्ड फेज जो है दैट इज नाउ जो हमने पढ़ा है दैट हेज़ टू बी जनरलाइज्ड एंड जनरलाइजेशन जैसे मैं चाइनीज वॉर के बारे में मैंने कोई बुक पढ़ी तो अब मैं वॉर इन जनरल के बारे में जनरलाइज कर सकता हूँ जनरल लाइफ के बारे में वॉर के बारे में पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में कल्चरल इन्वेजन को लेकर के मैं जनरल कमेंट्स कर रहा हूँ उस मैंने अफगानिस्तान पे कोई नोवेल पढ़ी है उसके कॉन्टेक्स्ट पर जनरल जो अफगानिस्तान जैसे देश जहाँ मिलिट्री कंट्रोल अलग अलग कंट्रीज का रशिया ब्रिटेन अमेरिका का रहा तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कोई चीज जनरल कर रहा हूँ कर रहा हूँ उससे मैं एग्री कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ जनरलाइजेशन पे मेरा जो फोकस है अब हम इन तीनों को अलग अलग करते हैं इस अप्रोच को थोड़ा और समझते हैं जिसमें ये जो रीडर रिस्पॉन्स स्टडी है इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें स्टूडेंट्स की जो रीडर की जो अंडरस्टैंडिंग वॉर डीप डीपर लेवल तक जाती है जब टेक्स्ट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसमें उनकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की प्रक्रिया है पर्सनल और क्रिटिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है क्वेश्चनिंग की जो प्रक्रिया है वो सारी इनकी एक्टिवेट होती है और इससे स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट को डीपली एक्सप्लोर करते हैं उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं उसको अपने थाट्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में उस शेयरिंग की प्रक्रिया में और सीखते हैं तो पहला टर्म जो है वो है कोर ऑफ द द टेक्स्ट टेक्स्ट कोर ऑफ़ क्या है कि इसमें है, को करते हैं, जो हैं की दिटेल नहीं करते हैं जो उसमें लिखा हुआ बट वहां तक रुकते नहीं है इसीलिए रिस्पॉन्स स्टडी में वी गो बियब्ल्यू एच क्वेश्चन वॉट वेयर वेन ये जो क्वेश्चन है whom, who, इसके बियॉन्ड जाना कोर ऑफ द टेक्स्ट में जाना है ऑथर का इंटेंट क्या है और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स देते हैं जिसमें टेक्सुअल डिटेल पे फोकस होती है पैसेजेस पे करेक्टर पे प्लॉट पे इमेजेस पे सिंबल्स पे आयरनीस पे स्पीकर्स की परस्पेक्टिव पे और जो भी उनको सिग्निफिकेंट एलिमेंट लगता है और उनको फिर डिटेल एक्सप्लोर uh, करते हैं तो ये कोर ऑफ द टेक्स्ट है करते कैसे हैं ये कोर ऑफ द टेक्स्ट को एक्सप्लोर वो अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब दे सकते हैं कि टेक्स्ट में क्या चीज थी जिसने उसको स्ट्राइक किया क्या चीज़ें थी जिसने उनका ध्यान खींचा कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू उसका टोन उसकी किसी घटना का डिस्क्रिप्शन कोई कॉन्फ्लिक्ट है कोई आयरनी है कोई कैरेक्टर है उस किसी कैरेक्टर का मोटिवेशन या रिएक्शन है कोई एपिफैनी होती है कैरेक्टर के एक्सपीरियंसेस की एपिफैनी समझते हैं ना मतलब जब कोई घटना घट जाती है आपको लगता हर ये मुझे लगता था कि ऐसा होने वाला है इसको एपिफैनी कहते हैं या जो कैरेक्टर फाइनली वो कंक्लूड करता है वो क्या चीज़ है जो आपका ध्यान खींचती है कोई मूड है कोई पावरफुल इमेज है कोई फीलिंग है कोई इमोशन है क्या चीज़ है तो स्टूडेंट जो है वो इन सवालों के जवाब देता है एक्चुअल पैसेज़ को रेफर करता है कोई लाइन कोई फ्रेज़ कोई वर्ड जिसने उनका ध्यान खींचा हो और वो कितनी इंपॉर्टेंट है उस पूरे टेक्स्ट को समझने के लिए आ, कुछ प्रॉम्प्ट हैं जो टीचर्स दे सकते हैं बच्चों को कि आपको यदि समझ में नहीं आ रहा एक्सप्लोर करने के लिए तो आप इन प्रॉम्प्ट से सेंटेंसेस को शुरू कीजिए तो आपका जो पहला पार्ट है एक्सप्लोरिंग द कोर ऑफ द टेक्स्ट वो पूरा हो जाता है आई नोटिस्ड दैट सो एंड सो I learned that. I am having trouble understanding. I जैसे होता है ना कई बार I fail to understand कि ये character का ये behavior क्यों था जबकि इसके कोई reason नहीं था I understood that. I find that very interesting. The author says this. The speaker said this. तो ये जो है ना कुछ prompt है जिससे students को आ, idea मिलता है कि core of the text को कैसे explore किया जाए Next है personal connection. जब आप core of the text को explore कर लेते हैं मतलब जब आप टेक्स्ट को एक्सपीरियंस में बदल चुके होते हैं अब टाइम है नेक्स्ट लेवल का जब पर्सनली उससे कनेक्ट करते हैं अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं पर्सनल लेवल पे वो क्या कह रहा है उसको पढ़ करके के कोई कहानी को पढ़ करके के कोई कविता को नोवेल को लेटर को आर्टिकल को पढ़ करके के उनके अपने एक्सपीरियंसेस के कौन से मेमरीज ट्रिगर हो रही हैं और जैसा मैंने कहा कि कई बार आ, अच्छा और वो मेमरीज जो है वो कैसे टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में समझने में हेल्प कर रहे हैं और ये भी जैसा मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज जो आप पढ़ते हो आपके एक्सपीरियंस में वर्ल्ड वॉर पे कुछ पढ़ रहे हो तुम हाउ कैन यू वुड हैव हाउ कैन वी इमेजिन कि तुमने एक्सपीरियंस किया होगा तो वो वर्ल्ड वॉर इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड वॉर मान लो उस कहानी में तुमको करेज वाला पार्ट या ब्रोटेलिटी वाला पार्ट जो भी पार्ट तुमको उसमें अट्रैक्ट करता है वो आइडिया जो है वो क्रूशियल है पर्सनल कनेक्शन के लिए जैसा मैंने कहा कि कई बार रीडर के लिव्ड एक्सपीरियंसिस में रिमेम्बर्ड एक्सपीरियंस में नहीं होता है लेकिन उनके क्लोज कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि चाइनीज़ वॉर पे मैंने कुछ पढ़ा है तो मेरे एक्सपीरियंस से वो लिंक नहीं है लेकिन मेरे रिलेटिव हैं जिनका वो लिंक है तो वो वाइकेरियस एक्सपीरियंस जो है ना उसको भी हम लेंस के रूप में देख सकते हैं या हो सकता है कि मैंने नॉवल पढ़ा चाइनीज़ वार पर मैंने कोई हो सकता है फिल्म देखी हो तो वो फिल्म जो है ना वो मेरा एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया है तो और एक और भी चीज है कि कई बार आप जो पढ़ते हैं आप उससे सहमत नहीं होते आपको लगता है राइटर जो कह रहा है वो मेरे एक्सपीरियंस से मैच नहीं दैट्स एक्सट्रीमली वैलिड पर्सनल कनेक्शन तो कोई एंटीथिस है जो ऑथर ऑथर्स आइडिया का तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक पर्सनल कनेक्शन बनता है सो बेसिकली पर्सनल कनेक्शन का पर्पस ये है कि अलग पर्सपेक्टिव हो पर्सनलाइज्ड हो जाए अंडरस्टैंडिंग मीनिंग मेकिंग की प्रक्रिया जो है वो व्यक्तिगत हो जाए एक अलग लेंस मिले चीज़ों को देखने का और टेक्स्ट के हम हार्ट तक पहुंच पाए और ये देख पाए कि जो कहा जा रहा है उसका हमारे जीवन से क्या लिंक है थोड़ा हम समय और लगाते हैं पर्सनल कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा और समझते हैं कि क्यों जरूरी है कैरेक्टर्स कैसा फील करते हैं उनकी क्या मोटिवेशन उसको समझने में सुविधा होती है एक बेहतर पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है आ, बोरियत से हम बचते हैं एक रीडिंग में एक पर्पस आता है हमारा फोकस क्रिएट होता है और रीडर्स किस तरह से कनेक्टेड हैं रीडिंग से वो पता चलता है और हमारी उसमें जो हमारी टेक्स्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है हमारे लिए याद रखना आसान हो जाता है उससे क्वेश्चन पूछना और उन सवालों के जवाब देना हमारे लिए ईजी हो जाता है अब ये प्रॉम्प देखिए कि पर्सनल कनेक्शन के लिए क्या प्रॉम्प हो सकते हैं कि हाँ आई हैड द सेम एक्सपीरियंस आई हैव द सेम प्रॉब्लम आई ऑल्सो वेंट टू आई कैन डैश डैश जैसे जब मैं फिल्म देख रहा था पी के तो उसमें पीके में दिखाया है यूरोप में एक शहर दिखाया है जहाँ पर जो अनुष्का है और सुशांत राजपूत मिलते हैं यूरोप के एक शहर में ब्रूक्स तो चूंकि उस शहर में मुझे भी जाने का मौका मिला है तो आई कुड रिलेट दैट इंटायर इवेंट इन अ डिफरेंट मैनर तो जैसे मैं आई ऑल्सो वेंट टू दैट प्लेस एंड आई सॉ दिस है न आई कैन डैश लाइक दिस करेक्टर आई लाइक टू आई एग्री विथ आई डिसएग्री, आई हैव द सेम ओपिनियन ये सारे कुछ जो है वो प्रॉम्प्ट हैं जिससे कि पर्सनल कनेक्शंस बिठाना इजी हो जाता है अभी जो कनेक्शंस हैं वो टेक्स्ट टू सेल्फ है आपके अपने जीवन अपने जीवन के अनुभव वाइकेरियस अनुभव और टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट और टेक्स्ट को कई बार होता है कि अकबर बीरबल की कहानी पढ़ते हुए तेनालीराम की कहानी याद आती है कोई और चीज़ पढ़ते हुए कुछ और चीज़ याद आती है रामायण पढ़ते हुए महाभारत याद आता है तो ये जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट है एक आ, राइटर की एक बुक पढ़ते हुए उसी राइटर की दूसरी किताब याद आती है तो वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट कनेक्शन है टेक्स्ट टू द वर्ल्ड है जो दुनिया में आपका चारों ओर हो रहा है उससे लिंक्ड है अब हम थोड़ा देखते हैं टेक्स्ट टू सेल्फ बच्चों में क्रिएट करने के लिए क्या क्या सैंपल क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट के कौन से हिस्से से मुझे अपने जीवन की कुछ चीज़ें याद आती हैं कौन से हमारे जीवन से मिलती हैं कौन से नहीं मिलती हैं क्या इस तरह की चीज़ मेरे साथ हुई है या जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ हुई है ये मेरे जीवन से कैसे जुड़ी हुई है जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही थी टेक्स्ट टू तो टेक्स्ट के लिए सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कोई अनदर कोई और किताब कोई अनदर कोई और आर्टिकल कोई अदर कोई और कविता कोई और कहानी तो नहीं याद आती जो मैंने पढ़ा उससे कैसे लिंक्ड है ये कैसे डिफरेंट है जो मैंने अब तक पढ़ा है क्या मैंने इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी भी है टेक्स्ट टू द वर्ल्ड को जोड़ने का तरीका क्या है कि ये रियल वर्ल्ड से कैसे जुड़ी हुई है जैसा मैं जो मैं पढ़ रहा हूँ या दुनिया में जो चीज़ें हो रही कैसे लिंक्ड है या जो हो रही है क्या उससे वो डिफरेंट है ये जो है जो मेरी अपनी दुनिया है उससे किस तरह से लिंक्ड है ये सारी चीज़ें हैं जो है अब जो बचे हुए दो टॉपिक है रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड री द टेक्स्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में